ز عشق بی خوب بزارم همو شکار که آر بو بزار یا الهی ماجرا کیا ہے یا الهی کاش پوچھو کہ مرتا کیا ہے کاش پوچھو کہ مرتا کیا ہے دل نادا गरीब बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता है और उसके बाद हमें मतलब सोचा है चाइल्ड लेबर भी रिसेंटली हो गया आसपा के साथ तो हमने इनिशिएटिव एक लिया कि अवेयरनेस लाए सोसाइटी में बेसिकली हमने जो मेन टारगेट किया था वो यूथ पे था हमने यूथ मीटअप हमने लिखा है मिलसार यूथ मीटअप ऑन ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं हमारे बेसिकली आजकल के जो यूथ है वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं बहुत सारे इन्वॉल्व हो चुके हैं ड्रग एडिक्शन में तो हमने इनिशिएटिव लिया है ताकि कुछ जो यूथ है उनको पता चले उन तक बात पहुंचे कि इससे क्या नुकसान आते हैं आपके क्या क्या मतलब कौन क्या क्या इम्पैक्ट होता है इस बात से मतलब क्या होता है आपके साथ ड्रग एडिक्शन से तो यही हमारा मेन फोकस था ताकि बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स थे मिस्टर मुदावर जो चीफ गेस्ट थे और मिस्टर मुजीब शाह थे और मिस्टर एक्चुअली ये हमें सपोर्ट बहुत सारे लोगों ने मीडिया ने सपोर्ट किया हमें चीज़ों से आप मतलब इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है जैसे आप ड्रग एडिक्ट आपको मज़ा मिल रहा है नो डाउट आप मज़े उड़ा रहे वो यहाँ पे नहीं होंगे जो ड्रग एडिक्ट है वो यहाँ पे नहीं होंगे लेकिन जो यूथ होगा जो उनको समझाने वाला जो उनके साथ होगा उन तक ये बात पहुँचा ताकि वो उन तक ये बात पहुँचाए बस यही सपोर्ट रहा क्योंकि मतलब उन तक बात पहुँची है इंशाल्लाह मतलब जो इन्वॉल्व है इन चीज़ों में सब चीज़ों में इंशाल्लाह उन तक भी बात पहुँचेगी हमारा इनिशिएटिव है बाकी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा इवेंट किया और सेकेंडली हमारी सोसाइटी को जरूरत है ऐसे इवेंट्स की मतलब ये जो इश्यूज यहाँ पे है डाउरी सिस्टम है चाइल्ड अब्यूज है ड्रग्स है आई वुड लाइक टू थैंक कश्मीर लाफिंग जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हम यूथ को इट्स अ यूथ मीटअप तो यहाँ पे हम लोग को बोलने का मौका मिला बिकॉज वी आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी कल को हम लोगों से फ्यूचर बनेगा एंड आई वुड लाइक टू थैंक दानिश जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी ताकि हम आए हम बोल पाए जो हमारी सोसाइटी में इविल्स है बिकॉज वी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी अगर हम लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो हमारी सोसाइटी कहीं की रहेगी नहीं सो वी स्टूड फॉर दैट वी स्पोक फ्यू वर्ड्स फॉर दैट एंड उसके लिए हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है बिकॉज द मैनेजमेंट was very good and very cooperative with us and I would like to thank them again for providing us with this opportunity to stand and speak in front of wonderful my
हमारे मैसेज वुड बी, अगर आप कहीं पे कुछ भी गलत होता देखते हैं, आप अगर कुछ ना कर सकते, यू कैन स्टैंड अप एंड स्पीक अगेंस्ट दैट. आप लोग बेगैरत क्यों बन रहे, व्हेन यू हैव गॉड गीरा, यू शुड स्टैंड, यू शुड स्पीक अबाउट दैट. से हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली करते नहीं है. वी आर ऑलवेज बिजी विद इंस्टाग्रामिक स्टफ, पोस्टिंग फूड कि आज हमने खाया, आज हमने पिया, बट हम लोग को वो, हम लोग बाकी सब कुछ पोस्ट कर सकते हैं. माई सेल्फ अ राइटर, आई रोड अपॉन आसिफा, वो मैंने कर सका. मेरा आर्ट मैंने यूज किया एक बच्ची के लिए जिसके साथ गलत हुआ था, मैंने वो यूज करके उस बच्ची को जस्टिस तो नहीं दिलाई, बट उसके खिलाफ मैंने कुछ बोला, उसके जो रेपिस्ट थे उनके खिलाफ कुछ बोला. सो वी शुड स्टैंड अप, वी शुड यूज आवर आर्ट फॉर द गुड, नॉट फॉर द बैड. ये मेरी एक मैसेज है सब. Grand interiors.